पाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। छोटे बच्चों को कब्ज रहती है, वो पोटी करते टाइम बहुत ज्यादा रोते हैं या फिर उनको पोटी जो है वो हार्ड आती है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि उनको कब्ज रहती है। अब हम इस वीडियो के अंदर कब्ज को किस तरह से सही करें जिससे कि बच्चे का पेट जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहे, बच्चा पोटी करते समय रोए नहीं या फिर बच्चे को कभी भी इस तरह से वहां पर खुजली ना हो, वहां पर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो या फिर पोटी भी है वो हार्ड ना है। इसके लिए छोटा सा उपाय है लेकिन मम्मी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है और इसके लिए पता नहीं कितने सारे प्रयोग करती है, लेकिन इस उपाय को करने के बाद ये समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो है उसका पूरी तरह से पेट साफ नहीं होता है, बच्चों को बार बार ऐसा लगता है कि जैसे पोटी आ रही है, फंस रही है, लेकिन पूरी तरह से पोटी वो कर नहीं पाता क्योंकि उसका पेट जो है पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाता। या बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है कि पोटी करने से ही पहले बहुत देर पहले बच्चे रोने लग जाते हैं और काफी समय तक बच्चा सिर्फ रोता रहेगा, पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, इस तरह से कुछ ना कुछ कहता रहेगा। तो यह समस्या भी तभी बनती है जब बच्चे को कब्ज की शिकायत रहती है। जैसे मम्मी जो है वो पहले से ही इतना ज्यादा डर जाती है, कहीं पर भी सफर करती है या फिर कोई घर पे भी अगर रोज है तो भी बच्चों को पोटी कराने में बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन यह उपाय करने के बाद आपके बच्चे का जो पोटी करने का एक शेड्यूल है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उसको पोटी अपने आप ही बिल्कुल सही ढंग से आने लग जाएगी, उसका पोटी करते टाइम बिल्कुल भी पेट दर्द नहीं होगा और बच्चे को हार्ड पोटी नहीं आएगी। जब तक बच्चा थोड़ा सा बड़ा, जैसे कि 3 साल का 4 साल का, जब वो रोटी खाने लग जाता है तब उसकी पोटी जो है वो थोड़ी थोड़ी हार्ड करके आती है, लेकिन अगर बच्चे की बिल्कुल सूखी हुई पोटी निकलती है तो उस जगह पर दर्द होता है और बच्चा फिर रोने लगता है, उस जगह खुजली होने लगती है या फिर वहां पर कई बार कट छिल भी जाता है और खून भी निकलने लगता है। तो मम्मी जो है वो बिल्कुल भी ऐसा उपाय ना अपनाए जो बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदायक है। सबसे पहले एक छोटा सा उपाय आप जरूर कर लीजिए ताकि आपके बच्चे के साथ ये समस्या बिल्कुल खत्म हो। के समय क्या करना है, आपको किशमिश जो होती है जिसे द्राक्ष बोला जाता है उसको आप भिगो दीजिए। जिस बच्चे को इस तरह की समस्या है कि उसकी पोटी की समस्या जैसे कि बनी ही रहती है, के समय किशमिश को भिगो दीजिए। जैसे कि एक छोटा बच्चा है 3 साल का 4 साल का 5 साल का, 5-7 द्राक्ष आप भिगो दीजिए और सुबह आपको क्या करना है, उन किशमिश को अच्छे से चबा चबा कर बच्चे को खाने को दीजिए भूखे पेट। उसके बाद ही आप बच्चे को दूध पिलाइए या कुछ भी जो भी आप खिलाना चाहते हैं वो खिलाइए। पहले आपको किशमिश खिलानी है जिससे कि बच्चे का पेट जो है वो धीरे धीरे करके बिल्कुल सही ढंग से साफ होने लग जाएगा, उसको कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी और पेट दर्द भी होता है वो बिल्कुल नहीं होगा, बच्चा रोएगा भी नहीं। लेकिन इस उपाय को आप एक दिन करेंगे, दूसरे दिन आप खुद देखेंगे कि बच्चा जो है वो सही ढंग से पोटी कर रहा है, उसे दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा क्योंकि इसका पेट जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। तो आप गर्मी के मौसम में भी कर सकते हो, सर्दी के मौसम में भी कर सकते हो और मानसून में भी कर सकते हो, लेकिन अगर सर्दी का मौसम है तो बच्चों को खाने के बाद अगर आप गुड़ खिलाते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे का जो पेट का पाचन क्रिया है वो बिल्कुल सही ढंग से काम करेगा, उसको पोटी जो है वो बिल्कुल सही ढंग से आने लगेगी, उसका पेट भी है वो बिल्कुल साफ जल्दी होने लगे। मौसम में गुड़ का चुनाव करें और गर्मी का मौसम है तो किशमिश को भिगो कर दीजिए जिससे कि बच्चे का पेट अच्छे से साफ हो जाए। उसके साथ ही आप थोड़ा सा रात को सोते टाइम बच्चों को गर्म पानी जरूर पिला के सुलाएं जिससे कि बच्चे का पेट जो है उसके अंदर पेट की जो चिकनाहट होती है वो बिल्कुल आंतों की जो चिकनाहट लग जाती है उसे साफ करने के लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो गर्म पानी सबके लिए फायदेमंद होता है, उसी तरह से अगर छोटा बच्चा है तो आप बिल्कुल कम से कम 2-3 चम्मच तो जरूर पिला के सुलाएं जिससे कि बच्चे का सुबह उठते ही पेट साफ हो। क्योंकि शिकायत अगर किसी भी बच्चे को रहती है तो उसे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसे हरी सब्जी हुई या सब्जी की जो मात्रा होती है खाने के अंदर उसको ज्यादा रखना है। कई बच्चे होते हैं जो सब्जी खाना पसंद नहीं करते, ऐसे में फिर उनको प्रेशर नहीं बनता, बच्चों को पोटी जो है बिल्कुल साफ नहीं आती क्योंकि अगर वो सूखा ही खाएंगे तो फिर सूखी ही पोटी निकलेगी। इसीलिए बच्चों को हमेशा दाल या सब्जी जो भी आप बनाते हैं उस रस्से के अंदर अच्छे से रोटी को मिक्स करिए और फिर वो रोटी जो है बच्चों को खिलाइए। ऐसा करने से बच्चों की जो कब्ज की शिकायत होती है वो दूर होने लगती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी सब्जी की जो मात्रा है उसको आप बढ़ा दीजिए। ऐसा करने से ये नेचुरल तरीका है और ऐसा करने से बच्चे के कब्ज की शिकायत दूर होती है, बच्चों का पेट जल्दी साफ हो जाता है और हार्ड पोटी नहीं निकलती। एक दिन आप ये उपाय करेंगे अपने आप बच्चे का एक शेड्यूल बन जाएगा, उसके बाद बच्चा ऑटोमेटिक अच्छे से पोटी करेगा
बिल्कुल भी नहीं रोएगा। और हमेशा कुछ भी बच्चों को दिक्कत होती है तो पहले आप उसके कारण को सर्च करिए, उसी के बाद उपाय को अपनाएं। छोटी सी चीज जो मैं हमेशा बच्चों के साथ करती हूँ कि हमेशा पोटी की जगह पे आप या तो कोकोनट ऑयल लगा दीजिए या फिर थोड़ा सा घी लगा दीजिए, चाहे बच्चा कितना भी छोटा हो या फिर बड़ा। उस जगह पे घी लगाने से सॉफ्टनेस रहती है और बच्चों को वहां पर खुजली नहीं होती, दर्द नहीं होता। और अगर जोर लगाने से अगर चमड़ी छिल भी जाती है, खून भी निकलने लगता है तो बिल्कुल सही हो जाता है। तो आपको ये छोटा सा काम भी जरूर करना चाहिए अगर आप मम्मा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए दर्शक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।